कितनी हो गई जनाब इसकी गहराई? 45 फुट हो गई है। तो टोटल कितना लेके जाना है इसको ज्यादा डीप? अच्छा नहीं, वैसे नॉर्मली कितनी डेप्थ में पानी निकल आता है? सही 60-70 तक देखेंगे इंशाल्लाह, पानी जहाँ सही आ गया। अच्छा यानी कि ये डिफरेंट इलाके पर डिपेंड करता है ना, जहाँ सही पानी आ जाएगा चेक करवा देंगे। शफीक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो ये बोर जो करते हैं इसका बेसिक जो तरीकाकार क्या होता है वैसे, जब आप स्टार्ट करते हैं? तरीकाकार यही है सर, पहले वर्मा मारते हैं 20 फुट। हाँ थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं आपने, आवाज़ आपकी बहुत स्लो आ रही है। 20 फुट वर्मा मारते हैं पहले, फिर पैप ये डाल के। इनके बोर करने का जो तरीकाकार है वो, अगर ये तो आप कह रहे हैं ना उसके पंप के लिए घरेलू इस्तेमाल के लिए, ट्यूबवेल जो ट्यूबवेल का करते हैं खेतों में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है आपको? सर, वो नहीं करते हैं। अच्छा इसका तरीकाकार ये है कि मतलब जगह का डिपेंड करता होता है, लोकेशन देखनी पड़ती है? जगह आ जाएगी पता है। अच्छा अगर आप इसकी खुदाई करते हैं, अगर नीचे से जगह पक्की आ जाए, रोड़ी वगैरह निकल आए, फिर आप नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, फिर उसके नीचे जाते हैं जहाँ सही जगह आएगी। अच्छा तो जमीन अगर लेवल पे है उसको आप पहले कैसे करते हैं उसको? मतलब पहले खड्डा डालते वर्मे के साथ? हाँ जी। अच्छा फिर उसके साथ ये पाइप डाल के, ये आप देख ही रहे हैं आप सामने, आहिस्ता आहिस्ता डीप करते जाना है जी। अच्छा ये जो आप कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ये सर बोकी है। अच्छा इसके साथ रेता बाहर आती जितनी उतना पाइप नीचे चला जाता है। अच्छा साथ साथ पानी डालते जाना है, पानी के साथ ये कि जमीन जो है वो नरम होती जाएगी। अब तो पानी आ गया नीचे जमीन में। अच्छा तो अभी कितनी गहराई हो गई है टोटल इसकी? 47 हो गई है। ये जनाब शफीक भाई बोर कर रहे हैं यहाँ पे और तकरीबन 45 से 50 फुट तक इसकी गहराई हो गई है और पानी निकलना जो है वो स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो हमें कैसे पता चलेगा अभी कि अब हमने यानी कि बस एंड कर देना, निकल आया हमारा काम? मोटी रेत आ जाएगी, पानी आ जाएगा, पानी आपको चेक करवा देंगे। अच्छा अभी ये मोटी रेत आ रही? हाँ अभी शुरू हो रही है। अच्छा अभी मतलब 45 फुट हो गया तो कितना और जाना पड़ेगा? 20-25 फुट। अच्छा 20-25 फुट जाना पड़ेगा, फिर उसके आगे अंदर आप पाइप डालेंगे सुराख करके ना? अच्छा फिर पंप लगा देंगे ना? ठीक है आप करते जाएं। ये जनाब यहाँ भी इन्होंने खुदाई की थी, अच्छा ये दूसरी बोकी है, इसको बोकी कहते हैं? अच्छा जितना ये गहरा होता जाएगा उतना फिर ये बोकियां डालते जाएंगे, अटैक करते जाएंगे। किने फट चला गया? 45। तो ये जगह पर डिपेंड करता है, मतलब किसी जगह पे ये 100 फुट पे जाके निकलता होगा, किसी पे 70 पे, 40-50 पे भी निकल आता है। अच्छा अच्छा ये बाज़ औक़ात ये चीज़ देखी है कि बोर का पानी कम हो जाता है या पंप उठाना मतलब कम उठाता है, प्रेशर इतना नहीं होता, बोर ख़राब हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? बोर क्यों ख़राब होता है, ना चलाया जाए? ना चलाया जाए या नीचे से फिल्टर ख़राब हो जाए या सही ताल पे जान ना रोका जाए? हाँ कम पानी भी देता है। यानी कि एक वजह ये हो सकती है कि फिल्टर ख़राब हो गया है और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप बोर के पानी को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे है ना,
बंद हो जाता है फिल्टर नीचे। अच्छा, तो ये इसका ये है कि अगर आप वाटर सप्लाई का पानी यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी साथ साथ चलाते जाएं, यूज़ करते जाएं हफ्ते में एक आधी दफ़ा, है ना। अच्छा, साथ पानी डालते जाना है हमने, है ना। थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं किसी टाइम पे, पानी है, पानी तो नीचे आ गए।